शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या हुआ कब कहाँ नहीं मालूम, कौन था छुप छुप कर किसकी है सिसकियां नहीं मालूम, क्या सब कुछ आग थी या धुआं नहीं मालूम, क्या हुआ कब कहाँ इस जहां का
हिस्सा हूँ, चुप था क्यों ये जहाँ, नहीं मालूम चुप था क्यों जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हीना कुमावत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। 15 वर्षीय प्रीति के साथ बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या करने वाले आरोपी मुश्ताक को कल सुबह 5 बजे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राष्ट्रपति ने अपनी मोहर लगा दी है। महिला संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं एक मानवाधिकार संगठन ने मौत की सजा खत्म किए जाने की सिफारिश की है। कल सुबह सेंट्रल जेल में प्रीति के बलात्कारी और हत्यारे मुश्ताक को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। इस बारे में और जानकारी के लिए सीधे चलते हैं कोलकाता, जहां हमारी जीनू संवाददाता। पिछले बरस हुए दंगों के दौरान एक खास संप्रदाय के परिवारों पर ढाए कहर, बलात्कार, हत्या और आगजनी के लिए विपक्ष ने मुख्यमंत्री राम संजीवन और कुछ हिंदू संगठनों को दोषी ठहराया था और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग भी की थी। विपक्ष द्वारा उठाई गई इसी मांग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री राम संजीवन ने इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोग के अध्यक्ष होंगे इंकलाब अखबार के एडिटर जावेद शेख। रात बाकी में अब आप सुनिए कुछ गर्मा गर्म गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, ये कहना है विपक्ष का, क्योंकि इनकलाब अखबार के एडिटर और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट श्री जावेद शेख और उनका अखबार मुख्यमंत्री राम संजीवन और उनकी कट्टर हिंदूवादी नीतियों का सख्त विरोधी रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार की नीयत पर किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके विरोधी श्री जावेद शेख को ही।
अचानक बारिश और हुई इतनी जोर से। सोचिए अगर आप ना मिले होते तो मैं अपने आप समझ नहीं आता। यहाँ तक आ गए हैं तो आइए अंदर चलिए। नहीं, बारिश के पानी से एलर्जी होगी, जरा सा भी भीगा तो छींके शुरू हो जाएंगे। तो एक ड्रिंक ले लीजिए, हैव वन फॉर द रोड, फिर कहीं रोटी बने रहेंगे। सुना अक्सर बारिश में यहाँ का रास्ता बंद हो जाता है। सो बाय, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। गुड नाइट। गुड नाइट। अपनी बिटिया को थैंक्स बोलिएगा इसके लिए। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। थैंक यू। यू आर वेलकम। आयशा, आयशा मैं हूँ। ये क्या हुआ? आपकी मेहरबानी। मेरी मेहरबानी? जी, 10 बार मैंने तुमसे कहा है कि गाड़ी के टायर घिस गए हैं, बदल लो। टायर घिस गए हैं, बदल लो, बदल लो। टायर बदलना मेरा काम नहीं है। लेकिन कार तो ज्यादा तुम चलाती हो, बदल लेती तो। खैर छोड़ो, मैं 80 की स्पीड में था हाईवे पर, टायर बर्स्ट हो गया, गाड़ी एक फेंस से टकराई और फिर स्टार्ट ही नहीं हुई। गनीमत है कि मैं बच गया। अल्लाह मियां ने कहा कि जावेद शेख फिलहाल जन्नत में स्ट्राइक चल रही है, अगर आपको हमारे पास आना ही है तो अपनी बीवी से कहिए कि कम से कम गाड़ी के नए टायर तो लगवा दें। I'm sorry, मैं भूल गई। तुम्हारी ये भूलने की आदत किसी दिन मेरी जान ले लेगी। I said I'm sorry. Thank you. Luckily I met this guy. यहीं आया हुआ है रिजॉर्ट में अपनी फैमिली के साथ, और इत्तेफाक देखो डॉक्टर है, ये उसी की मेहरबानी है। आयशा प्लीज, फॉर गॉड सेक, कुछ चीजें याद रखने की कोशिश करो। बताया नहीं मिस्टर जावेद शेख की देर कैसे हुई? मैंने कहा ना, टायर बर्स्ट हो गया था। तुम्हारे सेलफोन पे घंटी जा रही थी, फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? कहाँ थे? आपने सुना मैंने क्या पूछा? मिस्टर जावेद शेख एडिटर इनकलाब? हाँ हाँ मैंने सुना, लेकिन प्रॉब्लम थी नेटवर्क में, नहीं मिलता फोन। कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं थी, तुमने जानबूझ के फोन नहीं उठाया। जानबूझ के? अरे नहीं मिलता फोन। Tell me the truth. I am telling you the truth, damn it. Tell me the real truth. तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? जब मैं सच कहता हूँ तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करती? कैसे सच कहोगे? मधु के आई थे ना, उसे बिस्तर पर जर्नलिज्म की बारीक क्या समझा रहे होगे तुम? Are you nuts? तो फिर किसी और ट्रेनी जर्नलिस्ट को ट्रेन कर रहे होगे? Shut up, damn it, shut up. क्यों? गलत क्या है? मधु के साथ ही थे ना तुम? हाँ, मैं वहीं था। अब बोलो। एक तो तुम्हारी वजह से आज मैं मरते मरते बचा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम्हारे चक्कर में जल्दी घर आ गया, तो तुम यहां ये। देखो आयशा, मैंने पिछले 6 महीने में मधु की शक्ल नहीं देखी, न किसी पार्टी में, न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहीं नहीं। लेकिन तुम विश्वास नहीं करो। कैसे विश्वास करूं? फोन नहीं उठाया मतलब उसी के साथ हो गए? तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो करना है करो, भाड़ में जाओ। आई डोंट गिव अ डैम, आई डोंट केयर। तुम आज कुछ ज्यादा सिगरेट नहीं पी रही हो? मैं रोज ही इतनी पीती हूं, आज तुम भी कुछ ज्यादा ही रीड कर रहे हो। तो हमें दिल्ली कब जाना होगा? दिल्ली? हमें दिल्ली क्यों जाना पड़ेगा?
डोंट टेल मी तुम्हें भी मेरी तरह भूलने की आदत हो गई है। यहाँ हुए दंगे, राइट विक्टिम्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील, जांच के लिए इंडिपेंडेंट कमीशन की मांग के लिए मीटिंग है। सुषमा का फोन आया था, शायद हमें दिल्ली न जाना पड़े। क्यों? देखो आयशा, हम यही चाहते हैं ना कि दंगों में जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं उन्हें इंसाफ मिले। अगर वो यहीं मिल जाए तो हमारी मांग है इंडिपेंडेंट कमीशन। अगर यहीं ऐसा कमीशन बने जिसके चेयरमैन और मेंबर्स पर कोई उंगली ना उठा सके, जिनकी नीयत पर किसी को शक ना हो, एक ऐसा कमीशन जो ऑनेस्ट हो, निडर हो, फिर दिल्ली जाने की क्या जरूरत है। आयशा, आयशा, व्हाट्स रॉन्ग? आयशा, आयशा मेरी बात सुनो, प्लीज लिसन टू मी। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, डैमिट। हाँ, तुमसे। अगर कोई ऐसा कमीशन बने जिसका चेयरमैन मान लो कि मैं हूं, तो क्या तुम शक करोगी? हाँ, क्योंकि ऐसे कमीशन की सच्चाई जानते हो तुम। अगर उस कमीशन में सच्चे लोग हो तो? जिस सरकार ने दंगे कराए वो सच्ची जांच कराएगी। तुम ही ने लिखा था ना, आजादी से लेके आज तक ना जाने कितने कमीशन बने लेकिन कुछ नहीं हुआ। जनता की आंखों में धूल झोंकने, सब कुछ भुला देने और असली मुजरिम को बचाने का रामबाण नुस्खा है ये कमीशन बनाना। ये सरकार भी वही करेगी। लिखा था या नहीं अभी कुछ ही दिन पहले? हाँ लिखा था, लेकिन इस बार सिचुएशन दूसरी है। इन दंगों की वजह से हमारे स्टेट की देश में ही नहीं विदेशों में भी खासी बदनामी हुई है। पब्लिक प्रेशर इतना है कि उन्हें कमीशन बनाना ही पड़ेगा। और फिर वक्त बदल गया है आयशा, शायद लोग भी। उस कमीशन से पूछना जावेद कि कौन सा मरम लगाऊं कि दर्द पे जाए और ताक भी। एक लिफाफा देखा था सरकारी टाइप का, गवर्नमेंट का स्टैम्प था उस पर? नहीं, क्या था? ओह शिट, लगता है तुम्हारी भूलने की बीमारी मुझे भी लग गई है। मैं उस डॉक्टर की गाड़ी में, जब मैं अपनी गाड़ी से उतरा था, मैंने ये लैपटॉप का बैग लिया था, लिफाफा लिया था, और मैं उस डॉक्टर की गाड़ी में भूल गया। ये जंगल में जो रिजॉर्ट है उसका नंबर है तुम्हारे पास? ये फोन तो चलता नहीं है, सेल फोन यहाँ चलते नहीं है। वो मेरा साइंटिस्ट दोस्त कहता ना, क्लस्टर थियरी, जब मुसीबतें आती हैं तो सारी एक साथ आती हैं। एक्सीडेंट, चोट, घर पर बीवी नाराज, मेरा डिनर कुत्ता खा गया, और अब ये एनवेलप। वो सरकारी एनवेलप बहुत जरूरी था, ये तो दिख ही रहा है। क्या था ये भी बता दो। कुछ नहीं आयशा, तुम जाओ, जाकर सो जाओ, मैं एक ड्रिंक पीकर सोऊंगा। तुम कुछ छिपा रहे हो जावेद। आयशा, मेरा आज का दिन खराब रहा है, इससे पहले कि मेरा दिमाग और खराब हो, प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज। क्लस्टर, चल
जावेद, जावेद। हाँ, क्या हुआ? कोई है। कहाँ रखती? मैं देखता हूँ। हाथ में कुछ रखो। तुम डरो मत, मैं देखता हूँ। कौन है? जावेद साहब, मैं हूं, डॉक्टर विश्वास। आप? जावेद साहब, ये कुत्ता, मुझे बहुत डर लगता है इनसे। फिक्र मत कीजिए, बंधा हुआ है। वन मिनट। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। आप आइए ना, प्लीज कम इन। ये वही हैं जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी। इस लिफाफे के लिए मैं बहुत परेशान था। एक तो गाड़ी नहीं थी, फिर आपका कार्ड भी नहीं लिया। मैं सोच रहा था अगर आप होटल से चेकआउट कर गए तो क्या होगा। योर गॉड सेंट। आपको क्या लगता है जावेद साहब, मैं इस लिफाफे के लिए आया हूं? जी नहीं, मैं अपनी बच्ची का छाता लेने आया था साहब। यहां से निकला तो पुल पे पानी, सोचा कि थोड़ी देर वेट करता हूं। पलट कर देखा तो ये लिफाफा, ऊपर आपका नाम जावेद शेख एडिटर। तब कुछ ज्यादा है, कार में रेडियो सुन रहा था मैं, पता चला कि जिस शख्स को मैंने लिफ्ट दी है वो कोई मामूली आदमी नहीं है, दंगों की जांच के लिए बनाई गई कमीशन के चेयरमैन है। व्हाट? रेडियो सुना मैंने, सीएम का इंटरव्यू था। सीएम ने रेडियो पर अनाउंस कर दिया? जी जावेद साहब, आपकी अपॉइंटमेंट को लेकर काफी हंगामा है वैसे, कुछ लोग हैरान हैं तो कुछ लोग खुश। ओ गॉड, अब मैं समझा। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने सोचा कि आपको ये लिफाफा भी दे दूं और जब तक पुल से पानी उतरेगा कुछ देर वेट भी कर लूंगा। सेलफोन भी काम नहीं कर रहे, वाइफ काफी परेशान होगी। हाँ, यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सेलफोन लगता नहीं है, और फिर लैंडलाइन है जो हमारी सरकार की तरह भगवान के भरोसे ही चलती है। डॉक्टर विश्वास, प्लीज बी कंफर्टेबल, मैं एक मिनट में आया। आपका घर है जावेद साहब, आप दो मिनट में भी आ सकते हैं। प्लीज। मैं जानता हूं तुम सोई नहीं हो। देखो, दरअसल मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन तुमने मधु को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया और मैंने सोचा सुबह बता दूंगा। तुम बात कर रहे थे ट्रस्ट की। ट्रस्ट माय फुट। कंग्रेचुलेशंस चेयरमैन। आयशा प्लीज समझने की कोशिश करो, अगर मैं नहीं बनता तो, लेकिन अगर तुम कहोगी तो मैं मना कर दूंगा। डोंट टच मी। ओके, हम सुबह डिस्कस कर लेंगे। आयशा, ये वही है जिसने मेरी हेल्प की थी। अच्छा नहीं लगता, बाहर चल के हेलो बोल दो। आयशा प्लीज। I'm sorry, मेरी वाइफ वो सो रही है। नो नो, इट्स ऑल राइट। इनफैक्ट मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इस वक्त आपके घर आया, ये कोई शरीफों के आने का वक्त थोड़ा ही है। चलिए, आपने ये तो मान लिया कि आप शरीफ नहीं हैं। सर, मुझे पूरा यकीन है कि
कि आप इंसाफ जरूर करेंगे। मैं समझा नहीं। सर मेरा ये मानना है कि जिस इंसान को हंसना नहीं आता, जिसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं, वो अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता, और जो इंसान अच्छा नहीं वो इंसाफ कर ही नहीं सकता। ओह थैंक यू। आई एम सॉरी, मैं बोलता कुछ ज्यादा हूं। अरे साहब मेरी वाइफ जोक करती है कि कई बार मुझे ओरल डायरिया हो जाता है। आई एम सॉरी, आपकी वाइफ अंदर सो रही कहीं, मेरी हंसी से डिस्टर्ब। नहीं नहीं, नाइस हाउस। हाँ ये आउट हाउस वीकेंड के लिए बनाया था, आप कुछ लेंगे? जी वो हैव अ ड्रिंक। आज शायद मैं बिना ड्रिंक के सो ना पाऊं। जावेद साहब आपके घर में शराब? हम तो गालिब के मुरीद हैं। आपने वो शेर नहीं सुना, वायस मुझे पीने दे मस्जिद में बैठ के, या फिर वो जगह बता जहां पर खुदा ना हो। या थैंक यू। क्या हुआ, शेर पसंद नहीं आया? नहीं तो क्यों, आपने दाद नहीं दी? जी वो चलिए जाम, इंक्वायरी कमीशन के चेयरमैन के नाम। ओह चीयर्स। चीयर्स। जावेद साहब क्या मैं पाइप पी सकता हूँ? हाँ थैंक यू। मेरी वाइफ भी सिगरेट पीती है। बुरा ना माने जावेद साहब, तो आपसे एक बात पूछूं? एक क्यों, आप दो पूछिए। आपको क्या लगता है इस कमीशन से कुछ होगा? देखिए जावेद साहब, मैं आपकी इंटेग्रिटी पे कोई शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए, दहशत में हैं, जिनके घरों को लूटा गया, जलाया गया, सरेआम हत्या और बलात्कार करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। जो इन दंगों के गवाह हैं वो पुलिस में कुछ बयान देते हैं और कोर्ट में अपना बयान बदल देते हैं। द विटनेसेस आर टर्निंग हॉस्टाइल, गवाहों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आपने पढ़ा होगा पेपर में, एक्चुअली उनकी भी कोई गलती नहीं है सर, मैं भी यही करता। अभी कौन मरना चाहे, इतना सब होने के बाद दोबारा? I know. हमें उनका डर दूर करना होगा, हमें उन्हें कानून पर भरोसा दिलाना होगा, यही हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। हम उन्हें पूरा प्रोटेक्शन देंगे, गवाहों की पहचान गुप्त रखेंगे, और जैसे ही किसी मुजरिम का नाम सामने आएगा बाकी लोग भी आगे आ जाएंगे। जावेद साहब, हमारे मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर, इस पार्टी के सारे नेता इन दंगों में शामिल हैं। जिस किसी ऑफिसर ने इन दंगों की जांच करने की कोशिश की उसका ट्रांसफर हो गया। आप कैसे निपटेंगे इन लोगों से? ये बात हम दोनों में रहे, मुझे सीएम ने खुद कहा है, जावेद अगर मेरे खिलाफ भी सबूत मिल जाए तो मुझे भी नहीं बख्शना। जावेद साहब कहने की बात अलग है और करने की अलग, अगर उनका नाम सामने आया ना तो मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे विश्वास नहीं होता तो क्या मैं चेयरमैन बनता? नो, आई डोंट नो हाउ यू विल डू इट, लेकिन बड़े मगरमच्छ बच जाएंगे, छोटी मोटी मछलियां और बेगुनाह लोग फंसेंगे, यही होता आया आज तक। आई विल चेंज इट डॉक्टर विश्वास, आई विल चेंज इट। हो सकता है 10 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन मैं किसी बेगुनाह को सजा नहीं दिलवाऊंगा। नो, मैं किसी को बलि का बकरा नहीं बनाऊंगा, आप देखिएगा। वैसे आपका अपॉइंटमेंट काफी हैरानी वाला है, आप तो सीएम को गाली क्रिटिसाइज करते थे। हाँ मैं जानता हूं मेरे काफी दोस्त हैरान होंगे, सोचेंगे मैं बिक गया हूं, जबकि ऐसा नहीं है। आई कैन सी दैट। Stop!
शिट मैन, मेरी आंखों के सामने कोई मेरी कार ले गया। लाइफ में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। कौन होगा? जावेद साहब, आपका लिफाफा लाना बहुत भारी पड़ गया। आपकी कार कोई चोर नहीं, मेरी वाइफ ले गई है। आपकी वाइफ? ऐसे चोरों की तरह? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं जावेद साहब? नहीं है। लेकिन लेकिन क्यों? अब आपसे क्या छुपाना है? अपने चेयरमैन बनने की खबर मैंने उसे नहीं दी थी। उसे एतराज था, उसी बात पर हमारा झगड़ा हो गया। वो नाराज थी और। लेकिन आपके चेयरमैन बनने से उन्हें क्यों एतराज होने लगा? उन्हें तो खुश होना चाहिए। आप नहीं समझेंगे जावेद साहब, ये एरिया तो सेफ है ना? आई मीन ये जंगल, एक अकेली औरत, यू नो व्हाट आई मीन। आप तो बिल्कुल एक्सपर्ट शेफ हैं। आपकी वाइफ खुशकिस्मत है। जी नहीं, मैं खुशकिस्मत हूं। शी इज वेरी केयरिंग, वेरी सेंसिटिव, शी इज अ प्रिंसिपल वुमन। जलन हो रही है आपसे? आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये इंसिडेंट किसी को बताइएगा नहीं। कैसी बातें करते हैं जावेद साहब, डोंट वरी। और छोड़िए, झगड़े हर घर में होते हैं। हाँ वो तो होते हैं, लेकिन इसे मेरी इमेज की कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। नहीं, कई बार मैं सोचता हूं ये जो सो कॉल्ड पढ़ी लिखी औरतें होती ना, एक्चुअली जाहिल होती हैं। मतलब बात करेंगी बराबरी की, लेकिन फिर लेडीज सीट और लेडीज लाइन भी मांगेंगी। आप कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहे हैं साहब। नहीं नहीं, मैं सही कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। क्या है, हम लोग जितने लिबरल हैं उतना ही ये झंडू समझती हैं हमें। अंगूठे के नीचे रखो तो ठीक रहती है। मुझे लगता है यही सही है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? आपका नमक खा रहा हूं साहब, बट आई डोंट अग्री विद यू। ओ, तो यू वन ऑफ दोज लिबरल हस्बैंड्स, सेंसिटिव, प्रो फेमिनिस्ट? हाँ शायद। फेमिनिज्म माय फुट। वो कहते हैं ना, ये दुनिया औरतों की है, मर्दों की हमें जरूरत ही नहीं है। आओ देखते हैं, हम भी देखते हैं मुट्ठी से कैसे बच्चे पैदा होते हैं। आई एम सॉरी जावेद साहब, लेकिन आप फेमिनिज्म का कुछ गलत मतलब निकाल रहे हैं। मेरे घर पे मेरी एक बेटी है और मुझे मालूम है कि बेटियों को कितने कॉम्प्लेक्स से गुजरना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि यथा न पूज्यते नारी, श्लोक ठीक से याद नहीं लेकिन मतलब यह है कि जहां पे नारी की पूजा नहीं वहां पे देवता नहीं रहते। अरे आप रहने दीजिए, आप आपकी वाइफ बुरा मान जाएंगी सर। लेट हर गो टू हेल। Papa in the world. Cool.
वैसे जावेद साहब, आपके बच्चे वगैरह? लेट मैरिज और फिर हमारी बेगम को पालना बच्चे पालने के समान ही है। समटाइम्स शी बिहेव्स लाइक अ स्पॉइल्ड ब्रैट। वो कहते हैं ना, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि वो औरत हमारे पीछे करती क्या है। आप ही बताइए, आपकी वाइफ ने अगर ऐसा किया होता तो आप क्या करते, ऑनेस्टली? हाँ, मैं उसके गुस्से की वजह जानने की, उसको समझने की, उसको दूर करने की कोशिश करता। जावेद साहब, ये गुस्सा, प्यार, सेक्स, ये कुछ नहीं, अपनी बॉडी के अंदर के जो केमिकल्स हैं उसका रिएक्शन है, इसलिए ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। मैं हर चीज को बहुत क्लिनिकली देखता हूं। बदकिस्मती से मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं राइटर हूं, जर्नलिस्ट हूं। खुशकिस्मती कहिए जनाब, खुशकिस्मती, वरना दिन भर बीमारी, मरीज, बुखार, जख्म, खून, ये देखकर दिमाग खराब हो जाता है। अरे घर जाकर एक ड्रिंक ना मारो तो पता नहीं क्या हो, दर्द देखने का एहसास खत्म हो जाता है। आप लोगों की ऐश है, अच्छे अच्छे लोग, अच्छी अच्छी बातें, दुनिया जहां को बदलने के सपने, खुशकिस्मती कहिए। बस सपने ही देखते हैं, पूरे नहीं कर पाते। पता नहीं जावेद साहब, लेकिन मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूं। मेरा यह मानना है कि जब तक आप जैसे लोग हैं तब तक इन सपनों के पूरे होने की गुंजाइश, वरना नहीं। कहां गई होगी? उसे आपकी गाड़ी लेके नहीं जाना चाहिए था। अभी छोड़िए ना जावेद साहब, मुझे गाड़ी की कोई चिंता नहीं, मुझे आपकी वाइफ की फिक्र है। जावेद साहब, आई हैड वेरी सीरियस इमेज ऑफ यू, लेकिन आप तो बहुत ही मस्त आदमी निकले। ये इमेज ही तो मार डालती है। आपने वो मौलवी साहब वाला जोक सुना है? नहीं। एक मौलवी साहब थे, उम्र होगी कुछ 70 साल, 3 बीवियां थी घर में, एक 16 साल की लड़की पे दिल आ गया गांव में। उन्होंने सोचा क्यों ना चौथी शादी कर लें। उन्होंने लड़की से पूछा, निकाह करेगी मेरा साथ? तो लड़की ने बोला, तुमसे शादी करने से तो अच्छा है बुढ़े, मैं कुएं में कूद के जान दे दूं। मौलवी साहब को बड़ा गुस्सा चढ़ गया, उन्होंने बोला, जान दे दे मां, लेकिन किसी के काम बताना। अच्छा।
ये सब सदियों पुराने मीर के शेर याद रखते हो और मुझे भूल गए? दिस इज वेरी इंसल्टिंग डॉक्टर, वेरी वेरी इंसल्टिंग। लेकिन मैम चुप, क्वाइट। पता होता कि जावेद की शादी मुझसे हुई है तो तुम यहां आते? भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है ना? उसने तुम्हें बताया नहीं और तुम यहां फंस गए। मेरी तरफ देखो जानेमन, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चमड़ी से चमड़ी ही तो टकराएगी। डॉक्टर विश्वास है। इसका सिर्फ नाम विश्वास है, विश्वास नाम की कोई चीज नहीं है इसमें। Are you crazy? और बांधा क्यों है इन्हें? I say stop. I'm telling you stop. रुक जाओ जावेद। आयशा, तुमने मुझ पर गोली चलाई? देखो जिसे तुमने बांधा है उसी फरिश्ते ने, इसी फरिश्ते ने मेरी इज्जत लूटी थी। What? दंगों के दौरान यही था वो। 3 दिन लगातार इसने मेरी इज्जत लूटी थी। इसी ने। This bastard raped me. भूल नहीं सकती मैं। यही था वो कमीना। तुम्हें गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं। ऐसे ही तड़पती थी मैं। सब दर्द बयां करना भूल गए थे। इसने मेरी इज्जत नहीं, मेरी दुआएं लूटी हैं जावेद, मेरी दुआएं। तुम कहते थे ना शुक्राने की नमाज क्यों नहीं पढ़ती मैं? कैसे पढ़ती? ये हाथ दुआ मांगना भूल गए थे। और क्या मांगती? ए खुदा, मेरे लोग, मेरे मुल्क, हम औरतों को ऐसे ही खुश रखना। लेकिन आज हाथ दुआ मांगेंगे। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, यही कहते थे ना डॉक्टर? अब देखो ना, तुम कहां थे, कहां तुम्हें जावेद मिला, उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ और तुम फरिश्ते बन के आए और मुझे मेरा मुजरिम मिल गया। सो लेट्स सेलिब्रेट। जावेद, फ्रिज में वाइन है, खोलें उसे। व्हाट वुड यू लाइक, रेड और व्हाइट वाइन? आयशा, नो जावेद, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो। I'll be back.
तुमने उसकी शक्ल नहीं देखी, तुम्हें होश ही नहीं था। यू आर लाइक अ वेजिटेबल, हाउ कैन यू बी सो श्योर इट इज हिम? मेरी आंखें बंधी हुई थी, कान और नाक नहीं, उसकी आवाज। तुम्हें तो एक बार शॉपिंग मॉल में एक आदमी की आवाज पे शक हो गया था। उसकी पाइप और तंबाकू की स्मेल। कम ऑन आयशा, दुनिया में पाइप पीने वाला अकेला इंसान नहीं है। उसकी हंसी और उसका फ्रेज, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, और सबसे बड़ा सबूत उसके बदन की गंध। महीनों नहाती रही लेकिन वो गंध नहीं निकली, नहीं निकली, वो गंध नहीं भुला सकती मैं। तीन दिन लगातार झेलती रही, तीन दिन एक एक पल, एक एक पल। जावेद, मैं गलती नहीं कर सकती। दिस इज क्रेजी आयशा, सिर्फ बदन की गंध, वो भी इतने महीनों बाद। अगर ये कोई और निकला तो, अगर ये बेगुनाह निकला तो। वो बेगुनाह नहीं है, 100% दावे के साथ कह सकती हो। साइंस कहती है इस दुनिया में एक शक्ल के 5 इंसान होते हैं, और तुम हंसी और गंध की बात कर रही हो। अगर ये बेगुनाह निकला तो इसने यहाँ आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मेरा दिल कहता है ये वही है। This bastard, this rapist, मैं उसे। तुम आखिर चाहती क्या हो? I want to rape him. What? हाँ, I want to rape him. दिल तो यही करता है कि मैं उसका रेप कर दूँ, ताकि उसे एहसास हो कि रेप सिर्फ एक लफ्ज नहीं, एक ऐसा घाव है जो जिंदगी भर नहीं भरता। लेकिन औरत हूं ना, नहीं कर सकती। आयशा, मैं समझ सकता हूँ। No! ये बात सिर्फ एक औरत समझ सकती है, सिर्फ औरत। औरत हूं ना, इसलिए रेप नहीं कर सकती। ये काम तुम मेरे लिए कर दोगे? प्लीज, विल यू रेप हिम फॉर मी? तुम होश में तो हो? तुम भी नहीं कर पाओगे, जानती हूं। तुम पागल हो गई हो। काश पागल होती, ऐसे वक्त तो पागल होना भी एक नियामत है। काश मैं वाकई में पागल होती, तर तकलीफ तो नहीं होती मुझे। तुम नहीं समझोगे जावेद, मर्द हो ना इसलिए। देखो आयशा, तुम मामूली चीजें भूल जाती हो, और ये मामूली इल्जाम नहीं है। मैंने अब तक उससे बात की है, वो बहुत शरीफ इंसान है। इनफैक्ट नशे में पता नहीं मैं क्या क्या बोल गया, लेकिन ही रिस्पेक्ट्स वुमेन। ही रेप्स वुमेन। तुम आखिर चाहती क्या हो? मैंने रिवीलिंग कपड़े नहीं पहने थे, मैं कैबरे नहीं कर रही थी, मेरा बदन ढका हुआ था, मैं हंस तक नहीं रही थी। जनरली यही रीजंस देते हैं ना लोग, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो सवाल मुझे परेशान कर रहा है उसका जवाब चाहती हूँ मैं। मैं दंगों में फंसी हुई थी, खून से लथपथ, जस्ट लाइक अ वेजिटेबल। और वो डॉक्टर, तुम्हारे हिसाब से सो कॉल्ड कल्चर्ड मैन, पढ़ा लिखा इंसान, मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि एक बेबस बेसहारा बेचारी सी औरत का उसने रेप क्यों किया? ये ख्याल उसके दिमाग में आया क्यों, किस लिए? ओके ओके, अगर ये वही है तो चलो हम पुलिस कंप्लेंट करते हैं, ये केस भी कमीशन के सामने आएगा। नो, आज मेरा कमीशन फैसला करेगा। तुम पूछ रहे थे ना कि अगर कमीशन का तुम्हारे जैसा चेयरमैन हो तो इंसाफ कैसे नहीं मिलेगा? सो कम ऑन, प्रूव इट टू मी। ये ट्रायल नहीं है, इट्स अ कैंगरू कोर्ट। है तो है। आज विक्टिम भी यहाँ है, मुजरिम भी यहाँ, और जज भी यहाँ। मैं उससे एक सिंपल से सवाल का जवाब पूछना चाहती हूँ, बाय गॉड मैं उसे छोड़ दूंगी, नहीं तो उसका भी वही हाल करूंगी जो उसकी कार का हुआ। कार का क्या किया? तुम पुलिस को क्या जवाब दोगी? पुलिस मुझसे क्यों पूछेगी? वो सोचेगी ये बास्टर्ड पिया हुआ था, एक्सीडेंट हो गया, छुट्टी। तो तुम्हें उसका कन्फेशन चाहिए? कन्फेशन नहीं, ऑनेस्ट कन्फेशन, कि वो ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी दिमागी बीमारी जो इंसान को शैतान बना देती है, और एक औरत का रेप करके वो क्या प्रूव करना चाहता था, अपनी मर्दानगी या कुछ और?
क्या तुम वही हो? बताओ क्या तुम वही हो? आयशा, मुझे इसके मुंह से टेप हटाना होगा। क्यों? Why don't you understand? ये जवाब कैसे देगा? सिर्फ टेप और कोई चलाकी नहीं, नहीं तो मुझे गोली चलाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। ओके ओके। फरीद के साथ फरीद। ये लीजिए। और ये क्या हो रहा है जावेद साहब? आपकी वाइफ, ये कैसे इल्जाम है? देखिए, दंगों के दौरान किसी डॉक्टर ने इसका रेप किया था। उसका कहना है वो आप हैं। पर उन्हें क्यों गलतफहमी, क्यों मैं हूं? आपकी आवाज और हंसी। व्हाट? जब सब आप जानते हैं कितने लोगों की आवाज और हंसी एक जैसी होती है। उनका कंफ्यूजन मेरी जान ले लेगा। जावेद साहब, मेरे हाथ को लिए प्लीज, प्लीज हाथ को ले। जावेद साहब, हाथ को लिए साहब। आपको कोई गलत फहमी हुई है मैम, आप जो समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। जावेद साहब समझाइए इनको, अगर मेरी हंसी और आवाज़ उससे मिलती है तो इसमें मेरी नहीं भगवान की गलती है साहब। तुम ही कहते हो ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, उसने ये भी कुछ सोच के ही किया होगा। आयशा, मुझे ये इनोसेंट लगता है। जावेद, तुम्हें अपनी वाइफ से ज्यादा एक अनजान आदमी पे भरोसा है? बात वो नहीं है। तुम्हारी कमीशन ने 2 मिनट में फैसला सुना दिया ना, अब 2 मिनट मुझे भी दो। आयशा, आयशा नो, हटो जावे। आयशा तुम वो नहीं करोगी। अगर चाकू नहीं लगा तो ये इनोसेंट, अगर लगा तो ये रेपिस्ट। ये क्या? सच और झूठ पता लगाने का गेम है। आयशा नो, उंगलियां खोल। अगर चाकू लगा तो मुजरिम, नहीं लगा तो बेकसूर। आयशा पागल पर मत करो। नहीं भाग पाया, चोर पकड़ा गया। Have you people gone crazy? This is some kind of game or what? मैं नहीं छोड़ूंगा। जाओ सब, मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। मुर्दे कंप्लेन नहीं करते, जिंदा रहोगे तो कंप्लेन करोगे ना। Now confess, you bastard, confess! मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं सिस्टर? बहन मत बोल, वरना औरतें बहन शब्द से डरने लगेंगी। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ मैम, मेरी एक बीवी है, एक बच्ची है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? क्या मैं आपको रेपिस्ट दिखता हूँ? ये रेप करने वाला कैसा होता है डॉक्टर? उसके सर पे सींग होते हैं, पूंछ होती है उसकी, वो गोरा होता है या काला, वो गंजा होता है या लंबे बाल वाला, उसके 4 हाथ होते हैं या 5 पैर, या उसकी कोई शक्ल ही नहीं होती। उसके बदन की बदबू कैसी होती है डॉक्टर, तुम्हारे जैसी या अलग? ये रेपिस्ट कैसा दिखता है एक बार बता दे प्लीज, ताकि हम औरतें उसे देखते ही पहचान जाए और अपने आप को उससे बचा सके। दुनिया की हर औरत तुझे दुआ देगी। एक बार बता दे प्लीज, ये रेपिस्ट दिखता कैसा है, बता। मैंने आपको पहली बार देखा, मैं आज आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, मैंने आज तक आपकी शक्ल नहीं देखी। तुम भूल गए डॉक्टर, मेरे बाल यहाँ तक हुआ करते थे। मेरे बाल तुम भूल गए? तुम ही तो कहा करते थे तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है। काट दिए मैंने वो बाल, क्योंकि जब भी मैं उन्हें देखती थी तुम्हारे हाथों का टच और सब कुछ याद आ जाता था। जावेद, तुम ही तो कहा करते हो ना कि जो भी मुझे देखे उसकी आंखों में मेरी तस्वीर बस जाती है, तो डॉक्टर के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? प्लीज भगवान के लिए मेरी मेरी बात का यकीन कीजिए। आयशा प्लीज उठाने दो। ओके, लेकिन इसके बारे में कुछ मत बोलना। चाओ।
हेलो मुख्यमंत्री निवास से उनका पीए ब्रजेश पांडे बोल रहा हूँ सर। हेल्प बचाओ बचाओ जरा सी चूकी तो शूट यू। हेलो सीएम ऑफिस से फोन है, मुझे बात करनी होगी। हेलो हाँ जी हाँ सर, दरअसल बात यह है कि आपको चेयरमैन बनाए जाने का कई मुस्लिम ही नहीं हिंदू संगठनों ने भी विरोध किया है। हेट मेल्स धमकी आई है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि आप पर हमले की भी आशंका है, इसलिए दो कमांडोज आपकी ड्यूटी पर रहेंगे। नहीं नहीं मुझे कोई डर नहीं है। सीएम साहब का ऑर्डर है सर, सुबह तक कमांडोज आपके आउट हाउस पहुँच जाएंगे। मैं सुबह आ ही रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, वो पहुँच जाएंगे। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सीएम ऑफिस से दो कमांडोज आ रहे हैं सुबह। इसका मतलब है सुबह से पहले इसे मरना होगा। हा? मरना होगा? हाँ लगता है कल सुबह सारे रेपिस की मरने की सुबह है। वहां उस मासूम सी बच्ची का रेप और मर्डर करने वाला वो दरिंदा मुश्ताक फांसी पे चढ़ेगा और यहाँ तुम मरेगा। आप चाहती क्या है? तेरी मदर टंग क्या है? तू कौन सी भाषा समझता है? अरे घंटे भर से समझा रही मुझे कन्फेशन चाहिए कन्फेशन। तो जैसा इंसान एक बेबस बेसहारा बेचारी सी औरत का रेप कैसे कर सकता है? वो कौन सी साइकी है जो एक मर्द को जानवर बना देती है? हाँ अब समझ में आया कि किसी और भाषा में समझाऊं? मुझे मुझे बाथरूम जाना है। क्या हुआ सर? मुझे बहुत जोर से मुझे पेशाब आया सर। यही कर, नो प्रॉब्लम, वो कुत्ता भी यही करता है कभी कभी। जान साहब प्लीज। आयशा मैंने मना नहीं किया, यही करे। आयशा डोंट ह्यूमिलेट हिम लाइक दैट, प्लीज लेट हिम गो। अच्छा ठीक है, बट नो गेम्स डॉक्टर। कम ऑन। चलो दरवाजा खोलो। कम ऑन। मैं जिंदगी में इतना बेइज्जत कभी नहीं हुआ। आप प्लीज, आप जैसी इज्जतदार औरत। इज्जतदार कहाँ रही डॉक्टर, इज्जत तो तुमने लूट ली। और कमाल है मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बाद अब पेशाब नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं कि आपको? सिर्फ पेशाब कर। आयशा क्या हो गया तुम्हें? ये लैंग्वेज? ये मेरी भाषा नहीं है जावेद। डॉक्टर लाइक्स दिस लैंग्वेज। क्यों जाने मन, मजा आ रहा है? जन्नत के मजे लूट रही हो? देखा है तुमने? कुछ नहीं, चमड़ी ही तो है। बस चलो हरी आप। अरे जल्दी करो ना, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कम ऑन मूव। आयशा आयशा डॉक्टर विश्वास हूँ। जावेद साहब, जावेद मुझे गन दो। नहीं जावेद साहब, जावेद गन दो। जावेद साहब छोकरे इसकी हालत खराब कर दी। जावेद साहब मैं एक डॉक्टर, मेरी बात का यकीन कीजिए। जावेद साहब मैं इसकी आंखों में देख सकता हूँ, शी इज नॉट नॉर्मल। जावेद गिव मी द गन। नहीं जावेद साहब। आयशा बहुत हो गया, बहुत हो गया। जावेद आयशा कम ऑन गिव मी द गन। जावेद गन दो। आयशा ऐसा मत करो। जावेद साहब ये कुछ नहीं करेगी, ये सिर्फ धमकी दे रही है। जावेद मैं अपना हाथ काटूंगी, तुम मुझे मारते देखना चाहते हो? आयशा ये खून अपने सर मत ले। जावेद मैं तो वो ऑलरेडी ले चुकी हूं। गिव मी द गन। नो जावेद साहब मत दीजिएगा। गिव मी द गन। शिट जावेद साहब। जावेद साहब कम ऑन कम ऑन कम ऑन मूव मूव साहब। कट गया उस तरफ चलो। ओह गॉड। हां मेरी वाइफ को फोन कीजिए, अब समीरा ही आपको बताएगी कि मैं कैसा इंसान हूँ। सॉरी डॉक्टर, हर हिंदुस्तानी पत्नी अपने पति को खुदा मानती है, उस पर अंधों की तरह भरोसा करती है। मैं भी करती थी कि मेरा पति बिकेगा नहीं, लेकिन देखो एम्बिशन ने उसे भी बिकाऊ बना दिया। चेयरमैन की पोस्ट से बिक गया, अपने उसूल आदर्श आइडल्स सब बेच डाले उसने।
मेरी जगह कोई और चेयरमैन होता तो क्या कर पाते हम लोग? अब कम से कम इंसाफ की उम्मीद तो है। घर में इंसाफ नहीं कर पाए, बाहर क्या खाक करोगे? यू ऑपर्चुनिस्ट, माइंड योर लैंग्वेज, यू माइंड योर जॉब चेयरमैन। अपनी बीवी और बच्चे की कसम खा के कहता हूँ कि मैं कुहू नाम है ना उसका, बहुत प्यारी बच्ची है। आप कैसे? कार में तस्वीर मिली थी उसकी, दुनिया का सबसे ग्रेट पापा मानती है तुम्हें, उसके बाप की ग्रेटनेस दिखानी है उसे। कन्फेस करो डॉक्टर, वरना उसे तुम नहीं तुम्हारी लाश मिलेगी, और वक्त बहुत कम है, सुबह से पहले मरना भी है तुम्हें। आयशा छोड़ो उसे, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे साथ चलो। चलो तुम्हारी इस हरकत से तुम जानती हो मेरी पोजीशन का क्या होगा? घर में अगर लाश मिली तो क्या होगा? ओ, तो तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी फिक्र है। बात वो नहीं है। बात वही है, उसने मेरे शरीर का बलात्कार किया और तुम आत्मा का कर रहे हो, तुम दोनों रेपिस्ट हो। इनफ आयशा, इनफ। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मैंने कभी कोई ऐसी चीज नहीं की जहां तुम्हारा दिल दुखे। तुम जो चाहती हो मैं करता हूं, लेकिन तुम्हें इसकी परवाह नहीं है। सब कुछ जानते हुए मैंने तुमसे शादी की, कोई करता है ऐसा? तो तुमने मुझ पर दया की, प्यार नहीं। तुम गलत समझ रही हो। हाँ, मैं सोच रही थी कि तुमने मुझसे इसलिए शादी की कि तुम्हें मुझसे प्यार था। मुझे नहीं मालूम था तुमने घर में महिला आश्रम खोल रखा है जावेद। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यू नो इट। आई नो इट। लाओ मुझे दे दो पिस्तौल, लाओ। मैं उसे गोली मार देता हूँ, किस्सा ही खत्म कर देता हूँ, तुम्हारी भी टेंशन दूर, मेरी भी। गोली चलाने के लिए दिल चाहिए होता है, हाथ नहीं। एनसीसी में सिखाया था हमें। लेकिन तुम दिल के कमजोर इंसान हो, तुम सोच रहे थे मैं मधु को लेके तुम पे शक कर रही थी। नहीं, मधु के बहाने बार बार तुम्हें कुरेद रही थी। उम्मीद थी कि अब नहीं तो तब मुझे बताओगे तुम मधु के साथ नहीं सीएम के साथ थे, इसलिए फोन नहीं उठा रहे थे। लेकिन तुम समझे नहीं, या फिर समझ के भी चुप रहे। चाहे तुम सच तो बोल नहीं सकते, गोली क्या खाक चलाओगे? देखो आयशा, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत? अगर तुम औरत होते और तुम्हारा रेप हुआ होता ना, तो एक साल तक नहीं, जन्मों तक उसके बदन की बू नहीं भूलते तुम। तुमसे कुछ नहीं होगा जावेद, मैं खुद ही उसे मार देती हूँ। लाश खाई में मिलेगी, एक्सीडेंट केस। अगर पुलिस इंक्वायरी होगी तो तुम बोल देना ये औरत पागल है, मैं खुशी से जुर्म कबूल कर लूंगी, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। डोंट वरी। तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई लव यू। इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम बीच में ना आओ। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? पहला और आखिरी मिस्टर चेयरमैन। मुझे तो शक है कि आप भी इस पागलपन की गेम में शामिल हैं। शट अप। एक तो मैं यहां आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप पुलिस जब इंटरोगेशन करती है तो यही गेम खेलती है, गुड कॉप और बैड कॉप का। हे गल्ले के, गल्ले के डरा रहा हूं, दूसरा पुचका रहा है कि जुर्म कबूल कर लो। अरे जब मैंने किया नहीं तो क्यों करूं? हां, ताकि आप जिंदा बच सको। ऐसे करेंगे आप अपनी इंक्वायरी, लोगों की छाती पर बंदूक रख के पूछेंगे, यही तरीका होगा आपके कमीशन का कि जुर्म कबूल करो वरना गोली खाओ। Your wife has gone insane. I'm sorry to say that. आप उसका इलाज कराइए, कि साइकेट्रिस्ट को जाके दिखाइए। कब? आपके मरने के बाद? साइकेट्रिस्ट के पास ले भी जाऊंगा तो कल सुबह ही ले जाऊंगा ना, तब तक वो आपको मार देगी। Now what do you want? मेरी बात मानिए, आप कन्फेस कर लीजिए। ऑन कैमरा ट्रायल होगा। तुम ही कहते थे ना डॉक्टर, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। पता नहीं क्यों इस बार मैं कैमरा ले आए। हाँ, सोचा था जंगल शूट करूंगी, लेकिन अब जंगली जानवर शूट कर रही हूं। तुम्हारा नाम? What? रिलीफ कैंप में तो बहुत बहादुर बन रहे थे,
अब इतना डर गए कि अपना नाम भी भूल गए? आयशा, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है। अगर कल पुलिस ने तुम्हें इसके मर्डर में अकम्प्लिस माना तो ये रिकॉर्डिंग ये सबूत है कि मर्डर इस पागल औरत ने किया है। मर्डर? कन्फेस नहीं करोगे तो मर्डर ही करूंगी ना। लेकिन मैम। एक मिनट, काम कर रहा है। अब कोई रास्ता नहीं है। क्या बोल? हाँ, बस नो, he has to tell every detail, every little thing. क्या सोचा, क्यों किया, किस लिए? अब इतनी सारी डिटेल्स मैं आपको कहां से दूं? कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ? अरे जब मैंने किया ही नहीं तो? और कोई रास्ता नहीं है क्या? हो तो बताइए, मैं आपको छुड़ाऊंगा, वो खुद को गोली मार लेगी। आप हाँ नहीं कहेंगे तो वो आपको मार डालेगी। कोई और रास्ता है? कैन आई स्मोक? वो पाइप पीना चाहता है। क्या ये उसकी अंतिम इच्छा है? Thank you. Oh God, मैं तो भूल ही गया था। मैं तो भूल गया था जावेद साहब, जब यहाँ दंगे हुए उस वक्त मैं यहाँ था ही नहीं। उस वक्त मैं दीनदयाल अस्पताल दिल्ली में था। What? जी हाँ, आप वहाँ फोन कीजिए, वहाँ के रजिस्ट्रार डॉक्टर आरवी शर्मा, नंबर नोट कीजिए जावेद साहब। एक मिनट, वहाँ के रजिस्ट्रार बताइए। दिल्ली कोड 011, रेजिडेंस नंबर 2315577। आप अभी फोन कीजिए जावेद साहब, कीजिए आप फोन। आप सच कह रहे हैं? जी हाँ, आप फोन कीजिए, आप 15 अगस्त से 20 अगस्त 2004 तक मैं वहां था। आप फोन करके पूछिए। थैंक गॉड, आयशा उस दौरान ये यहां नहीं थे। जी मैम, आप फोन कीजिए रजिस्ट्रार डॉक्टर आरवी शर्मा। हाँ, नंबर मिल गया है, फोन कर लेते हैं। आयशा, यहाँ काटो। व्हाट? यहाँ काटो। कैसी बातें कर रही हैं? आई सी, जस्ट डू इट। आयशा जावेद, प्लीज कमीशन में दोनों पार्टीज को मौका दो। काटो, मैं प्लीज काटो, वरना जोर से। ये वही है। एक बार दिल्ली फोन कर लेते हैं। अगर दंगों के वक्त ये दिल्ली में था तो इसके मर्डर के वक्त मैं काठमांडू में हूं। मैं प्लीज, पहले से इस बास्टर्ड ने बचने की तैयारी कर ली है। गवाह सबूत इकट्ठा करना इतना आसान है कि? आयशा, अगर गवाह हैं, सबूत हैं, जब इसने पहले से इतनी तैयारी की है तो बाकियों ने कितनी की होगी? इसलिए तुम्हारे कमीशन का कोई फायदा नहीं, इसलिए तुम्हें चेयरमैन बनाया गया ताकि तुम पे कोई उंगली ना उठा सके। वो बाद में देखेंगे, इसका फैसला करो। हो चुका, कन्फेशन या मौत, चॉइस इज योर्स डॉक्टर। नो फोन। आप बता दीजिए, मैं वही बोल देता हूं। मुझे नहीं पता, दरअसल हम उस हादसे को भूलना चाहते थे,
वो हमारी जिंदगी का क्लोज चैप्टर था। मैंने कहा था मुझे उसके बारे में नहीं बात करनी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अब रेप हुआ था ये पता है, लेकिन कहां कैसे? एक आइडिया साहब, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन लेकिन अगर आप मैडम से जाके कहें कि आपको ये जानने के लिए कि मैं सच बोल रहा हूं या नहीं, एक एक डिटेल पता होनी जरूरी है, तो शायद वो आपको कुछ बता दें। मैं वही स्टेटमेंट दे दूंगा, इसके अलावा मुझे कोई चारा नहीं दिखता। ओके चेयरमैन, ओके, हियर इज माय स्टेटमेंट। इट वाज 15th of August 2004। हमारी मुल्क की आजादी का दिन था वो। तुम यहाँ इस आउट हाउस में थे, तभी खबर आई कि दंगे भड़क चुके हैं। पता चला हमारा अखबार और खासकर कि तुम निशाने पर हो। मुझे लड़कियों की फिक्र थी। राधा को भेज में कंप्यूटर सिस्टम बंद ही कर रही थी कि अचानक दंगाई घुस आए। उन्होंने चारों तरफ तोड़ फोड़ शुरू कर दी। मैं एक टेबल के नीचे छिप गई। वो तुम्हारा नाम लेकर चिल्ला रहे थे, गालियां दे रहे थे। एक ने दफ्तर की चारों ओर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। मैंने भड़कती आग देखकर वहां से भागने की कोशिश की कि एक दंगाई की नजर मुझ पर पड़ी। वो मेरे पीछे भागा, उसने मेरे पे रॉड फेंकी, रॉड आकर मेरी पीठ पर लगी और मैं वहीं गिर गई। उन्होंने मुझे घेर लिया, मुझे रॉड लात घूसों से मारने लगे और पूछते रहे तुम कहाँ हो। वो मुझे मारते रहे और मैं कहती रही मुझे नहीं मालूम। फिर एक ने कहा इसका झंडा रोहन करना पड़ेगा, दूसरे ने कहा नहीं औरत है रहने दो। अचानक एक गैस सिलेंडर की फटने की आवाज़ आई और एक धमाका हुआ। उसके बाद मुझे होश नहीं क्या हुआ। होश में आई तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ सुन पा रही थी, सूंघ रही थी। कहीं दूर कराहने की आवाजें आ रही थी। पूरे माहौल में जैसे स्पिरिट की गंध फैली हो, जैसे किसी सरकारी अस्पताल में होती है ना वैसी। मैं हिल डुल नहीं सकती थी, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। आई वॉज लाइक अ वेजिटेबल। फिर मुझे किसी के आने की आवाज आई। मैं घबराई लेकिन मैं हिल भी नहीं सकती थी। जैसे किसी दस्ताने ने मुझे छू, फिर इसकी आवाज आई। ये कैंप है, इसकी आवाज में जैसे भरोसा प्यार तसल्ली थी। इसने रूई से मेरे घावों को पोंछा, ठंडे पानी से मेरे जख्मों को साफ किया। मुझे रोना तो आया लेकिन रोती कैसे, आंखों पे पट्टियां नम हो गई थी। ये बहुत प्यार से बात कर रहा था, मैं भूल गई थी कि मैं कैंप में हूं। अचानक इसकी आवाज आनी बंद हो गई। मुझे पाइप की स्मेल आई, तंबाकू, वो गन जो नाक के पास रह जाती। अचानक इसके हाथ मेरे सीने को साफ करने लगे। मुझे अजीब तो लगा
लेकिन फिर मैंने एक जिप के खुलने की आवाज सुनी। मैं थोड़ा डरी, फिर मैंने सोचा कोई गलत फहमी है। दवा, दर्द, मेरे सारे सेंसेस जैसे सुन से हो गए थे। जन्नत के मजे लूटना चाहोगे जाने मन? फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, देखना चाहोगे जाने मन? मैं कुछ नहीं कर पाई। वो दरिंदों की तरह उसने मेरे होंठ, गर्दन, छाती सब नोच डाले और मैं एक लाश की तरह वहां पड़ी रही। बदन के भू से सारा कमरा भर गया था। मेरा दम घुट रहा था जावेद। और मैं तीन दिन लगातार सब कुछ झेलती रही। सब कुछ, उसकी आवाज, उसकी हंसी, उसकी बू, सब कुछ। मारा जो मेरा रेप कर सकते थे, उन जाहिलों ने मुझे छोड़ दिया और जिससे मदद की उम्मीद थी उसने मेरे साथ। मैं सोचती रही, क्यों क्यों किया उसने मेरे साथ? तीन दिन लगातार इसने मेरा रेप किया, हर वक्त हंस के पूछता, काउंटिंग आती है ना जाने मन, बताओ कितनी बार किया? वो हंसी, उसके बदन की बू, मैं मरने के बाद भी नहीं भूल सकती। ये वही है जावेद, ट्रस्ट मी, ये वही है। प्यार, तसल्ली थी। इन दंगों में मेरी ड्यूटी घायलों को मरने से बचाने की थी, ताकि कैजुअलिटी कम हो और सरकार की बदनामी भी कम हो। आयशा को मेरे सामने बहुत बुरी हालत में लाया गया था। वो मेरे सामने पड़ी थी। मैंने उसे आइसोलेशन में रखा। वो मेरे सामने थी, मेरी मर्जी पे थी। मुझे लगा कि मैं उसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ,
मुझे लगा कि मैं भगवान हूँ, मुझे लगा कि मैं भगवान हूँ। उसके बदन को छूने के बाद मुझे लगा कि क्यों ना मैं मज़े लूट लूँ, मज़े लूट लूँ। लोग समझेंगे कि रेप घर दंगों में हुआ है। और कौमी एकता रिलीफ कैंप में 3 दिन के अंदर मैंने लगातार 14 दफ़ा उसका रेप किया। ठीक है ना जावेद साहब, मैं डॉक्टर विश्वास ये कबूल करता हूँ कि कौमी एकता रिलीफ कैंप में मैंने आयशा जैदी और आयशा शेख के साथ 14 बार रेप किया। बहुत दर्द हो रहा है ना डॉक्टर, एक मिनट। आयशा क्या हो गया तुम? किसी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि जख्म पे विनेगर डालो तो जख्म नासूर नहीं बनता। आयशा छोड़ दो उसे, ही इज कन्फेस्टेड। जावेद साहब छोड़ दो। छोड़ दूं? जावेद साहब तो तुम इसके साथ थे, जो मैंने बोला तुमने इसे बता दिया? नहीं वो जावेद, मैंने कैंप का नाम नहीं लिया था। कौमी एकता रिलीफ कैंप, क्या आपने वही बोला जो मैंने आपको बताया था? उसे क्या देख रहे हो, मुझे मालूम है तुमने जावेद को यूज किया। यूज? क्या कह रहे हैं आप? नाटक बंद करो डॉक्टर विश्वास, उसे सब पता चल गया है कि उसकी एक एक डिटेल मैंने आपको बताई है। सो प्लीज टेल मी, क्या आपने वही बोला जो मैंने आपको बताया था? ऑफ कोर्स मैंने वही बोला जो आपने बताया था, अपने मन से कैसे बताता। देखिए मैं आपको फिर से एक बार पूछता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वही बोला। कम ऑन डॉक्टर विश्वास, चेयरमैन पे भरोसा रखो, वो तुम्हें इंसाफ दिलाएगा। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, तो आज क्यों बोलूंगा? आप झूठ बोल रहे हैं। आपको मालूम है एलर्जी है मुझे बारिश से, मैंने बताया था आपको। जस्ट शट अप, बोलिए ना मैम को, आपकी बात तो मान ही लेंगे। जावेद साहब प्लीज समझाइए, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? तो डॉक्टर विश्वास आपको कैसे पता कि आयशा का जब रेप हुआ तो वो कौमी एकता कैंप में थी? वो मैम, चोर पकड़ा गया ना डॉक, वो मेरे मुझे ऐसे ही निकल गया मैम, मुझे माफ कर दीजिए। वो एक बदनाम कैंप था मैम, बहुत चर्चा थी उसके अखबारों में, अक्सर पढ़ता रहता था, अब ऐसे मुझे निकल गया होगा, गलती होगी जावेद साहब। ये रेप भी तुमने गलती से ही किया होगा ना डॉक्टर? मैं ऐसा क्यों करने लगा? मेरे घर पे एक बीवी है, एक बड़ी प्यारी बच्ची है, घर में इंतजार कर रहे होंगे। बोलो कहाँ फंस गया मैं, जैसा मुझे बचाइए। आपको तो मालूम है कि बारिश से मुझे कितनी एलर्जी है। लेकिन मुझे बारिश पसंद है जाने मन। जावेद साहब प्लीज, खुदा के लिए एक बार दिल्ली फोन तो कीजिए। कहीं फोन नहीं होगा जावेद। आयशा अभी कुछ देर में कमांडो आ जाएंगे, इसे उनके हवाले कर देंगे। नहीं, तुम क्या वाकई से मार दोगी, खून करोगी तुम? कमाल है जावेद, मैं पूरी रात से एक ही बात दोहरा रही हूँ और तुम हो कि समझ ही नहीं रहे, जबकि डॉक्टर विश्वास को अच्छी तरह विश्वास हो गया कि मैं उसका खून करने वाली हूँ। मेरी आंखों में खून नजर आ रहा है डॉक्टर। आयशा बंद करो ये पागलपन, जिसने पागलपन किया उसे तो तुम कुछ नहीं बोल। क्या चाहती है?
कन्फेशन है, मैं मान लेता हूँ। जब सब आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने मान तो लिया ना। क्या क्या मान लिया डॉक्टर विश्वास? डोंट वरी, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, अच्छे से सोच के बोलो। माय सन गो। जावेद साहब, मैंने आपको बताया था, कुत्तों से मुझे बहुत डर लगता है जावेद साहब। लेकिन इसे जानवर पसंद है डॉक्टर। माइसिन, ये तुम्हारे खाने लायक नहीं है। चलो डॉक, कमांडोस के आने का वक्त हो गया है और जावेद नहीं चाहता कि उसके घर में लाश मिले। लाश? और मैं भी नहीं चाहती कि जावेद इन सब में फंसे, इसलिए या तो तुम सच बोलो या लेकर चलूं तुम्हें तुम्हारी कार के पास। उठाओ। आयशा, कानून को अपने हाथ में मत लो। तुमने कहा था ये कन्फेशन दे देंगे, तुम इन्हें छोड़ दोगी। मैंने कहा था ऑनेस्ट कन्फेशन, ये मक्कार अब भी झूठ बोल रहा है, इसलिए साला मरेगा। आयशा, जावेद तुम हट जाओ। तुम कहां जा रही? जावेद, मैं कहती हूँ तुम रुक जाओ। कहां जा रही? इसकी कार के पास। तुम ऐसा नहीं कर सकती। आपके सचमुच मुझे नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, सिर्फ गोली असली है। जावेद रुक जाओ। आयशा प्लीज। जावेद आई से स्टॉप। जावेद साहब डोंट डू दैट। तुम चलो। जावेद साहब आप दिल्ली फोन कीजिए। जावेद साहब दिल्ली का जावेद आई से स्टॉप 231555। जावेद साहब डॉक्टर आरवी शर्मा। चलो आयशा प्लीज। आप अभी फोन कीजिए ना जावेद साहब। चलते रहो। थैंक गॉड। पिकअप पिकअप। हेलो, कौन है? डॉक्टर शर्मा, रजिस्ट्रार दीनदयाल हॉस्पिटल। हाँ भाई, ये रेसिडेंस से हॉस्पिटल नहीं। आई एम सॉरी डॉक्टर शर्मा, लेकिन आप प्लीज फोन मत रखिएगा। मैं जावेद शेख बोल रहा हूँ, अहमदाबाद गुजरात से। दंगों की जांच के लिए जो कमीशन बना है उसका मैं चेयरमैन हूँ। मुझे एक इन्फॉर्मेशन अर्जेंटली चाहिए थी। क्या डॉक्टर विश्वास आपके यहाँ विजिटिंग फैकल्टी में थे? डॉक्टर विश्वास? हाँ हाँ, डॉक्टर विश्वास, अगस्त 2004। हाँ हाँ, 15 से 20 अगस्त तक, 5 दिनों के लिए। लेकिन उसका दंगों से क्या? Are you sure, डॉक्टर शर्मा? हाँ भाई, दोस्त हैं इसलिए जानता हूँ। ऑफिस फोन करें तो रिकॉर्ड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। शिट। कम से कम मेरी बीवी और बच्ची भी तो तरस खाई है। अब भी तो एक औरत है ना। इसलिए तो उन्हें तुम जैसे मर्द से बचाना चाह रही हूँ। एनी लास्ट विश डॉक्टर? आयशा, आयशा स्टॉप। आयशा रुक जाओ, ये इनोसेंट है। पुअर मैन, दुनिया में इतने शरीफ लोग भी नहीं होने चाहिए। वो अभी भी तुम्हें बचाना चाहता है। आयशा, ये उस वक्त दिल्ली में थे। आई नो। व्हाट? शट अप जावेद, डोंट यू गेट इट? ऐसे अलिबाई बहुत आसान है। इसको कमीशन के बारे में पता चल गया, इसलिए इसने पहले से तैयारी कर ली। He is not a criminal. He is. इसलिए पता करने आया था कि तुम काम कैसे करोगे। इसकी क्यूरियोसिटी से मरवा देगी, इसे पता नहीं था। लेकिन मैं खबरदार डॉक्टर। आयशा, मैं तुम्हें नहीं मार रही। मेरे पास मत आना जावेद। आयशा प्लीज। आयशा आई लव यू। मैं तुम्हें ये खून करने नहीं दूंगा। रुक जाओ, इनफ जावेद, बस। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, है ना डॉक्टर? तुम अगर कन्फेस कर लेते तो शायद अभी ये नौबत नहीं आती, तुम शायद बच भी जाते। कोइंसिडेंस देखो, लगता है आज हर रेपिस के मरने का दिन है। वहां जेल में मुश्ताक फांसी पे चढ़ेगा और यहां तुम मरोगे। कम ऑन, मूव इट, मूव इट। आयशा स्टॉप। कम ऑन, मूव यू बास्टर्ड, मूव। आयशा प्लीज। कम ऑन, आई सेड जंप, जंप, आई विल शूट यू। क्या करती है? जॉब, कम ऑन। क्या चाहती है तुम? कन्फेशन?
ओके। मैं डॉक्टर विश्वास अपने पूरे होशोहवास में ये कबूल करता हूँ कि दंगों के दौरान कौमी एकता रिलीफ कैंप में मैंने आशा जायदी उर्फ़ आशा शेख का 3 दिन के अंदर 14 दफ़ा रेप किया। तो यही जानना चाहती थी मैं। डॉक्टर विश्वास बिहेव योरसेल्फ। जावेद, जावेद आपको लगी? I'm sorry आशा। अरे जान सब, दर्द तो नहीं रहा? What is this आशा डाली? हाँ? ये याद रहा कि रेप कितनी बार किया है? ये भूल गई कि पिस्तौल में सिर्फ 6 गोलियां होती हैं? जानना चाहती थी ना मैंने तेरा रेप क्यों किया? क्योंकि चिनाग तो आशा शेख। Yes। मैंने तेरे रेप इसलिए किया क्योंकि मैं तुम लोगों को सबक सिखाना चाहता था ताकि जब तू दर से चीखती तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम सब लोग दर से चीख रहे हो। चीख रहे हो। हाँ जावेद साहब, कुछ शेर याद आया क्या? देखिए डॉक्टर विश्वास, यहाँ बच जाओगे लेकिन उसकी अदालत में नहीं बचोगे। प्लीज सर, अगर तुझ जैसे नपुंसक हम लोगों के बीच में रहते ना तो साले कब कौन ने खदेड़ दिया होता, कब कौन ने खदेड़ दिया होता। लेकिन तुम कमीने लोग सुधरोगे नहीं साले, कानून संविधान की बातें करते हैं। ये झगड़े भी तुम्हारी वजह से हुए ताकि अगर सालों सर उठाए तो कुचल देंगे। सुधरोगे नहीं तुम। क्या पूछ रहे थे? मैं फेमिनिस्ट हूँ, लिबरल हूँ, अब दिखा मैं क्या हूँ? दिखा या नहीं दिखा? कुछ तो बोलिए। ऐसे कमाल है ना, तेरी सूंघने की ताकत तो कुत्तों से भी ज्यादा अच्छी है। इतने सालों बाद भी मेरी गंदी याद रही, लेकिन मैं भूलू क्यों? एक बार फिर से याद कर लू, मजा आया मुझे भी, वो तरस गई होगी मेरे लिए। तो जावेद के साथ कहाँ मजा आता हूँ। कन्फेशन से खुश? कम ऑन दिस टाइम ऑन कैमरा। व्हाट इज दिस? जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं डॉक्टर। आयशा साइदी आयशा शेख इस महान इंसान के लिए अपने कपड़े खुद खोल देगी। और चाहे इतना सब कुछ कबूल कर रहे हो ये भी बता दो कि आयशा शेख और आयशा शर्मा की जांघों में क्या फर्क है? तुम्हारी माँ कहाँ से बच्चा पैदा करती है? हाँ, और तुम्हारी बेटी? क्यों, तुम्हारी बेटी औरत नहीं? तुम्हारी बीवी की छाती मेरी छाती से अलग कैसे? बता। तुम लोगों को इतना समझा लेकिन फिर भी तुम लोगों को समझते हो। अगली बार वो फाल करेंगे कि मौत को तब सुनोगे तुमको, जिसे तुम दोजख बोलते हो, कयामत बोलते हो, वो यही दिखाएंगे तुम लोग। और इसकी पूरी तैयारी की, पूरी तैयारी की। वैसे नहीं मानेगा। खुदा ना करे तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए हम में से कोई दरिंदा तेरी बेटी के साथ भी वही करे जो तूने मेरे साथ किया। तब भी मैं यही पूछूंगी क्यों? तेरी बेटी के लिए भी मुझे उतना ही दुख होगा जितना अपने लिए हुआ था। रेप करना चाहते हो ना मेरा? देखो अपनी बेटी की तस्वीर, अब रेप करो मेरा। आओ महापुरुष, इस औरत के बहाने हम सबको सबक सिखाओ। आओ। नाक साली, कसूर तेरा नहीं, तेरी सोच का है। ये रिकॉर्डिंग अपनी बेटी को जरूर दिखाना डॉक्टर, उसे अपने पापा और उनकी सोच पर गर्व होगा। मैम जी, कल रात से इनके पति गायब हैं, आपने इन्हें देखा है?
जी नहीं, मैंने इन्हें नहीं देखा। ओ गॉड, कहाँ चले गए? कल तो यही रिसॉर्ट में थे। आपने पीछे गांव वालों से पूछा? नहीं। पूछ के आइए। चलिए आओ बेटा। आप यहीं रुकिए, पीछे रास्ता खराब है। लेकिन बच्ची साथ है इसलिए। मैम ठीक कह रही हैं, आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। प्लीज आइए। एक्सक्यूज मी जी, बस्ती पीछे की तरफ है। प्लीज सेट। हाँ इसी तरफ है, बैठिए। मैं अभी आई। मम्मी पापा कहाँ गए? बेटे एक मिनट, आप बाहर जाओ। एक सेकंड, उस तरफ। मैंने आपके पति को नहीं, अपने रेपिस्ट को देखा था। सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं। वालों ने भी नहीं देखा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी। क्या? एक्चुअली कल रात उन्होंने बहुत शराब पी ली थी। तो कहीं एक्सीडेंट या आसमान